हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके बिजली के कनेक्शन में एड्रेस गलती है तो आप लोग उसे कैसे सुधार सकते हैं। या दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेसिकली वही बात करने वाले हैं कि आपके बिजली के कनेक्शन में अगर एड्रेस गलती है तो उसे बहुत सारे परेशानी आती है। मान लीजिए आप लोग का यहाँ पे घर है, आप लोग दूसरे जगह चले गए और वहाँ पे भी यहीं का एड्रेस आ रहा है, तो इससे आपको बहुत सारी परेशानी होती होगी, क्योंकि बिजली का जो बिल होता है वो एड्रेस प्रूफ का भी काम करता है, तो इससे बहुत सारा परेशानी होता होगा। या आपको किसी भी कारणवश आप लोग को अपना मतलब बिजली के कनेक्शन में एड्रेस चेंज करना है, गलती है या कम एड्रेस है, इनकम्प्लीट एड्रेस है, तो आपको चेंज करना है, तो आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो, वही आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम फुल्ली, एकदम आधा अधूरा वीडियो नहीं बनेगा, पूरा आपको करके बताएंगे कि आप लोग एक मिनट का अंदर अपने बिजली के कनेक्शन में एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। बिजली बिल में एड्रेस चेंज करना है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर सुविधा ऐप नाम का एक ऐप होता है, ठीक है दोस्तों, उसे आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। हम सुविधा ऐप इंस्टॉल कर लिए हैं तो उसे ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एड्रेस चेंज करने के लिए आपको थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए अदर सर्विसेज में दिखा रहा है एड्रेस करेक्शन, तो आप लोग क्या करेंगे, एड्रेस करेक्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कंज्यूमर नंबर मांग रहा है, उपभोक्ता संख्या, तो कंज्यूमर नंबर जो होता है वो इसमें आप लोग डाल देंगे। चलिए हम अपना कंज्यूमर नंबर इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना कंज्यूमर नंबर इसमें डाल लिया है, उसके बाद से फिच डिटेल का ऑप्शन नीचे में आ गया है, तो फिच डिटेल पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे फिच डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका जो नेम वगैरह सब कुछ आ गया, एड्रेस भी आ गया, ठीक है दोस्तों। तो एड्रेस इनका सिर्फ आदमपुर ऐसे दिखा रहा है, तो एड्रेस बढ़िया से इनका डालना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से सेंड ओटीपी पर हम क्लिक कर देंगे, नीचे में ऑप्शन है सेंड ओटीपी, जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी हम इंटर ओटीपी में डाल देंगे। चलिए हम ओटीपी डाल लेते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना ओटीपी डाल दिया, उसके बाद से जो एड्रेस ऊपर में दिखा रहा है वो करेंट एड्रेस है और नीचे में न्यू एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, तो न्यू एड्रेस पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद से जैसे मोबाइल से लिखते हैं विलेज वगैरह सब कुछ इसमें हम लोग डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने इसमें नया एड्रेस डाल दिया है, वही एड्रेस सही से हम कर दिए हैं जो इनको चेंज करना था। उसके बाद से नीचे में देखिए क्या देखा है, एड्रेस प्रूफ आपको इसमें कोई अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो एड्रेस प्रूफ में कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लेंगे, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एलपीजी कनेक्शन, कोई भी आधार कार्ड वगैरह, ठीक है दोस्तों। और उसको आप लोग सेलेक्ट करके, मान लीजिए हम पासपोर्ट इसमें सेलेक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद से टेक फोटो का ऑप्शन आ रहा है, और टेक फोटो क्लिक करके जो आप एड्रेस प्रूफ चेंज मैंने क्लिक किए हैं उसका आगे से फोटो क्लिक कर लेंगे, और नीचे में बैक साइड दिखा रहा है तो उस पर टेक फोटो पर क्लिक करके जो प्रूफ आप चूज किया उसे पीछे का फोटो क्लिक कर लेंगे। उसके बाद से आप लोग सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा और एक सप्ताह के अंदर आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। वैसे तो 2 से 3 दिन में हो जाता है, लेकिन हम एक सप्ताह का टाइमिंग होता है लास्ट, तो एक सप्ताह बता रहे हैं आपको, हमको करना नहीं है, हम आपको सिर्फ करके बताने के लिए आपको वीडियो बनाए थे कि आप लोग ऐसा करके एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसा करके आप लोग अपना बिजली बिल में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें, और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।